हमें ये जीवन तो प्राप्त हो गया है, ये शरीर रूपी घट तो प्राप्त हो गया है, हमें कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई है, अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या पाते हैं, क्या एकत्रित करते हैं, अपने जीवन को कैसा करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें परिणाम भी वैसे ही प्राप्त होंगे, यही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, यही प्रकृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के सामने कोई भी समझौते की गुंजाइश ना तो कभी थी, न है, न होगी। प्रकृति के इस सिद्धांत ने ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों को सभी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पादप जगत के सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां अन्य अन्य सभी जीव बंधे हुए हैं। इनका बंधा होना एक सूत्रता का परिचायक है, सभी जीवों को एक सिद्धांत में बांध दिया गया है और इसके कारण ही वे सब एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे के क्रियाकलाप से सब पर प्रभाव पड़ते हैं, एक दूसरे की गतिविधियों से सभी के जीवन प्रभावित होते हैं। कौन कैसा कार्य कर रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है, उसे वैसे परिणाम प्राप्त होंगे। हम सबको समझना चाहिए, हम सबको प्रकृति के इस एक रूपता को महसूस करना चाहिए कि हम प्रकृति से ऊपर नहीं हो सकते। विधाता के द्वारा संचालित करने का सबसे बड़ा माध्यम प्रकृति है। प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों में बंधकर ही हमें चलना होगा। प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही प्रत्येक जीव को निभना होगा। हर कीमत पर उन नियमों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना होगा। जो सकारात्मकताओं के साथ उन सिद्धांतों को, उन नियमों को समझ गया, महसूस कर गया, उनके अनुरूप अपने आप को ढाल ले गया, स्वयं को उनके अनुरूप संतुलित समन्वित कर लिया, उसका जीवन अद्भुत हो गया, उसका जीवन अद्वितीय हो गया। उसके जीवन से ही कुछ नया रूप निखर कर सामने आ पाया।
इस प्रयास में हम सब लगे और लगे भी रहना चाहिए। हर समय इसी जद्दोजहद में हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि यदि हमें इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हुई है प्रकृति के द्वारा, तो हम अच्छे सत्कर्मों को, सद्गुणों को, सद्राहों को, सदचरित्रों को स्वीकार करके सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, निश्चलता, निर्मलता, अंतर्मन की पवित्रता, सरलता, सजगता को लेकर एक ऐसा जीवन तैयार कर सकें, एक ऐसे जीवन की यात्रा को तय कर सकें जो अद्भुत हो सके, जो अद्वितीय हो सके, जो हमारे साथ साथ अन्य जीवों को भी सीखने के लिए, अनुसरण करने के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के द्वारा लिखने के लिए कुछ प्राप्त हो सके। यदि इतने बड़े स्वप्न हम देख रहे हैं, तो इन बड़े स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए, उन बड़े स्वप्नों को साकार करने के लिए हमें बड़े प्रयास भी करने की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े प्रयास करने की भी जरूरत पड़ेगी। जब तक इन बड़े प्रयासों को हम नहीं करेंगे, तब तक बड़े परिणाम कैसे प्राप्त हो सकेंगे। हमें क्षण प्रति क्षण अपने जीवन की वास्तविकताओं को महसूस करके, समझकर जीवन की रूपरेखाओं को इस प्रकार ढालें कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें।